हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएं कि मनी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, रिटेलर कमीशन, फुल प्रोसेस। दिस वीडियो पूरा इस प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आपको कितना मिलेगा, रिटेलर कमीशन आपको कितना मिलेगा, और आईडी आपको कहां से परचेस करनी होगी, रिटेलर आईडी या तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। आप हमारे यहां से रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी यहां से प्रोवाइड किया जाती है। या तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से कंपनी के थ्रू से आपको बात कराई जाएगी और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको दिलाई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आपको कितना कमीशन आपको मिलता है, फुल प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। और आपको बता दें कि अगर आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वहां से आप कॉल कर सकते हैं और अपना आईडी परचेस कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या तो रिटेलर। तो चलिए आपको एक बार बता दें कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। ऑल एपीएस सर्विस, ऑनलाइन ऑफर, रिचार्ज पोर्टल, टेक्निकल आइडिया, टच एंड टिप्स। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की फुल प्रोसेस बता दें कि आपको क्या मनी पॉइंट सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। आप यूजर और पासवर्ड लेना चाहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, वहां से आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। तो इसमें आपको एक बात फिर से आपको बता दें कि इसमें आपको कंपनी बहुत सपोर्ट करती है। इसमें कंपनी बहुत अच्छा है, इसमें कंपनी काम करना भी अच्छा मन लगता है। इसमें अगर पैसा वैसा फंस जाता है तो आपको 24-48 घंटे में आपको कंपनी आपको आपका जहां से कटा है वहां वापस ला देती है। तो चलिए हम दिखा दें आपको कि यहां पे एप्लीकेशन में आपको खोल के दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या सर्विस है, मोबाइल डीटीएच, इलेक्ट्रॉनिक डीटीएच। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा प्रोफाइल भी है। तो यहां से अपना मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, एपीएस सर्विस, मैक्रो एटीएम, यूटीआई, पैन कार्ड, यहां से फिर आपको चलिए हम कमीशन के लिस्ट में ले जाते हैं। तो देख सकते हैं कि यहां पे मनी पॉइंट कमीशन। तो मनी पॉइंट कमीशन तो यहां देख सकते हैं 500 से 1000 अगर निकासी कीजिएगा तो आपको 1 रुपये 20 पैसे से 2 रुपये 40 पैसे तक मिलेंगे। अगर 1500 निकासी कीजिएगा तो 3 रुपये 60 पैसे मिलेंगे। अगर 2000 कीजिएगा तो 4 रुपये 80 पैसे मिलेंगे। 2500 कीजिएगा तो 6 रुपये मिलेंगे। 3000 कीजिएगा तो 7 रुपये 20 पैसे मिलेंगे। अगर 3000 से 10000 तक निकासी कीजिएगा तो 9 रुपये 50 पैसे मिलेंगे आपको। तो इस तरह करके इसमें कमीशन भी आपको मिलेगा अच्छा खासा। यह है रिटेलर कमीशन। तो अगर जियो का भी रिचार्ज कीजिएगा तो 2 रुपये 50 पैसे मतलब 100 में अगर 100 का कीजिएगा तो 2.5 रुपये आपको कमीशन मिल जाएगा। अदर में भी 2.5 रुपये मिलेगा 100 में कमीशन। तो इस तरह करके इसमें रिटेलर कमीशन है। तो फिर आपको आगे दिखाएंगे कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी दिखाएंगे। तो इस तरह करके अपना कमीशन आप मतलब अपना ले सकते हैं, अपना काम करके। खुद का एक बिजनेस है, ये CSP की तरह है। अपना काम कीजिए घर बैठे अपना मोबाइल से और अपना इनकम बढ़ाइए और अपना काम कीजिए। तो इसी तरह करके आप काम कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा है इसमें। तो चलिए आपको लेते हैं अपना दूसरा डिस्प्ले पे कि वहां पे आपको क्या मिलेगा, अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। तो देख सकते हैं कि मनी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, कमीशन स्लैब, ये है कमीशन स्लैब डिस्ट्रीब्यूटर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब मनी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें आपको बता दें कि सेटलमेंट अगर कीजिएगा 100 से 2 लाख तक में तो आपको 10 रुपया कटेगा। 100 से 2 लाख तक में कीजिएगा तो 200 रुपया मतलब 10 रुपया कटेगा। 100 से अगर 2 लाख तक में कीजिएगा तो 10 रुपये कटेंगे आपको। IMPS कीजिएगा, NEFT कीजिएगा तो NEFT कीजिएगा तो 5 रुपये कटेगा, अरे IMPS कीजिएगा तो 10 रुपये कटेगा। तो बहुत अच्छा इसमें कंपनी है। दूसरा कंपनी में अगर 25,000 तक में करते हैं तो उसमें 6 रुपये कटता है, फिर 25,000 कीजिएगा तो 6 रुपये। इस तरह करके मतलब कुछ भी कर 6 रुपये 6 रुपये 12 रुपये हो गए। इसमें है कि 10 रुपये से 100 रुपये से अगर 2 लाख तक कीजिएगा तो आपको 10 रुपये ही कटेंगे। मनी ट्रांसफर में देख सकते हैं कि चार्ज कितना कटता है। अकाउंट वेरीफाई करने में आपको 5 रुपये कटेंगे। उसके बाद 100 से 1000 तक अगर ट्रांसफर करेंगे तो 11 रुपये कटेंगे। उसके बाद 1001 से लेकर 2000 तक में कीजिएगा मनी ट्रांसफर तो आपको 13 रुपये कटेंगे। उसके बाद 2001 से लेकर 3000 तक कीजिएगा तो 14 रुपये कटेंगे। उसके बाद 3000 से लेकर 4000 कीजिएगा तो 16 रुपये कटेंगे। 4000 से लेकर 5000 तक कीजिएगा तो 18 रुपये कटेंगे। इस तरह करके इसमें कमीशन मतलब मनी ट्रांसफर में कटा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये APS सर्विस, अगर आप निकासी कीजिएगा तो 500 रुपये
कीजिएगा तो इसमें ये 1.30 रुपये आपको कमीशन मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर में। और आपको फिर आपको बता दें कि 1000 अगर निकासी कीजिएगा तो 2.60 रुपये मिलेंगे, फिर 1500 अगर निकासी कीजिएगा तो 3.90 रुपये मिलेंगे, उसके बाद 2000 अगर निकासी कीजिएगा तो 5.20 रुपये मिलेंगे, अगर 2500 निकासी कीजिएगा तो 6.50 रुपये मिलेंगे, अगर 3000 निकासी कीजिएगा तो 7.80 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है। 3000 से अगर 10000 तक निकासी कीजिएगा तो उसमें 10.50 रुपये कमीशन है। इसमें अगर आइडिया का रिचार्ज कीजिएगा 2.80 रुपये मिलेंगे, एयरटेल का रिचार्ज कीजिएगा 2.80 रुपये, वोडाफोन में 2.80 रुपये, 2.80% इसमें मतलब कमीशन है, रिचार्ज कमीशन इसमें। तो आप चलिए आपको दिखा दें कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या क्या आपको सर्विस मिलेगा मनी पॉइंट पे। मनी पॉइंट एपीएस सर्विस आईसीआईसी बैंक से ये मतलब कनेक्ट है। उसके बाद आप बता दें अब एपीएस में सबसे ज्यादा कमीशन 3000 के ट्रांजेक्शन पर 9.50 रुपये इसमें मतलब रिटेलर को कमीशन मिल जाएगा। और दूसरा नंबर है कि किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं आप, किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी भी बैलेंस का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं आप, किसी भी बैंक का बैलेंस निकासी कर सकते हैं आप, किसी भी बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं आप, डाटा कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भी जमा कर सकते हैं, यूटीआई का ऑफिशियल पोर्टल भी पोर्टल मिलेगा, पैन कार्ड यहाँ पे आपको पोर्टल भी मिलेगा इसमें अच्छा खासा। मतलब ये जो कंपनी है ना बहुत अच्छा कंपनी है, इसका जो कंपनी है ना बहुत सपोर्ट करती है, बार बार अगर कॉल कीजिएगा तो आपका कॉल रिसीव करेगा और कनेक्ट आपको मतलब हर बार आपको बताएगा, गुस्सा में बात नहीं करता है ये कंपनी, अच्छा हमको लगा है ये कंपनी। तो हम यहाँ से अभी ज़्यादा तो नहीं न्यू हैं, तो 2-4-5 रिटेलर क्रिएट कर चुके हैं, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके अपना रिटेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर आप क्रिएट करवा सकते हैं और ले सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर लीजिएगा तो आप उसका प्राइस अलग है, प्राइस उसमें ले लीजिएगा, उसके बाद आप अनलिमिटेड आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते, रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आईडी भी परचेस करनी पड़ती है, अगर जिस तरह कीजिएगा आपको उस तरह का आपका कमीशन मिलेगा। तो इस तरह करके अपना काम कर सकते हैं अपना। फिर देख सकते हैं कि रिटेलर कमीशन किस तरह है। 100 से 2 लाख तक अगर कीजिएगा सेटलमेंट तो आपको 10 रुपये कटेंगे, एनईएफटी कीजिएगा तो 5 रुपये कटेंगे, उसके बाद एक मनी ट्रांसफर अकाउंट वेरीफाई में 5 रुपये कटेगा, 100 से 1000 अगर ट्रांसफर कीजिएगा दूसरे का मतलब मनी ट्रांसफर कीजिएगा तो 13 रुपये कटेगा, उसके बाद 1000 से 2000 अगर कीजिएगा मनी ट्रांसफर तो 15 रुपये कटेंगे, उसके बाद 2001 से 3000 तक कीजिएगा तो 16 रुपये कटेंगे, 3001 से 4000 कीजिएगा तो 18 रुपये कटेंगे, 4001 से 5000 तक कीजिएगा तो 20 रुपये कटेंगे। तो अच्छा है इसमें, अगर दूसरा वॉलेट में हम देखते हैं कि 5000 अगर निकासी करते हैं तो 10 रुपये करके 50 रुपये कट जाता है, इसमें 20 रुपये कटता है। तो अच्छा है ये कंपनी, हमको भी अच्छा लगता है। एपीएस देख सकते हैं, एपीएस में आपको कितना कमीशन मिलेगा, 501 से लेकर 1000 तक कीजिएगा तो 1.20 रुपये मिलेंगे, 1000 अगर कीजिएगा निकासी तो 2.40 रुपये मिलेंगे, उसके बाद 1500 कीजिएगा तो 3.60 रुपये मिलेंगे, उसके बाद 2000 कीजिएगा तो 4 रुपये, इस तरह करके कमीशन इसमें अच्छा खासा है, इसमें कमीशन कर सकते हैं आप अपना खुद का बिजनेस एक प्रॉपर रूप से बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। फिर बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो दोस्तों के साथ कमाने का मौका भी दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बस धन्यवाद, बस मिलते हैं अगला वीडियो में।